नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा के गांधी मेमोरियल अस्पताल के गायनी वार्ड में युवती के साथ हुई छेड़खानी से अस्पताल में बवाल की स्थिति निर्मित हो गई। घटना देर रात गांधी मेमोरियल अस्पताल के बाथरूम की बताई जा रही है, जहां दो युवकों ने बाथरूम के अंदर युवती के साथ छेड़खानी की है। वहीं इस पूरे मामले में सुरक्षा कर्मियों की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिन्होंने जानकारी के बाद भी पुलिस को सूचना नहीं दी और दोनों युवकों को डांट कर जाने दिया। हालांकि इस बात की जानकारी पुलिस अधीक्षक को होते ही मौके पर भारी पुलिस बल पहुंच गया, लेकिन तब तक दोनों आरोपी फरार हो चुके थे। कल दोपहर से कर रहे थे। अभी आपको जी देख रेख करते रहे तो बाथरूम गए थे। एक बार मिला तो बोलता है कि मेरे को नंबर चाहिए तुम्हारा। मैं बोली कि मैं कुछ नहीं, बोली मेरी तबीयत भी खराब रही। और फिर अपने जीजू का आकर बताई तो मैं जीजू से लड़ने लगा, धमकी उमकी देता रहा। पहले भी जी दो बार किया है। नहीं की है। जी जी हाँ। घटना के संबंध में पीड़िता ने बताया कि उसकी बहन गांधी मेमोरियल अस्पताल के गायनी वार्ड में भर्ती है, जिसकी वह देखरेख के लिए अस्पताल में रुकी हुई है। वहीं आरोपी के परिजन भी अस्पताल में भर्ती हैं। युवती का कहना है कि आरोपी उसे बार बार परेशान कर रहे थे। देर रात जब वह बाथरूम गई तो आरोपी बाथरूम के अंदर चले गए और उसके साथ छेड़खानी करने लगे, लेकिन युवती किसी प्रकार से अपने आप को बचाकर वहां से बाहर निकली। घटना की शिकायत सुबह युवती के द्वारा अस्पताल के सुरक्षा कर्मियों से की गई, लेकिन दोनों आरोपी सुरक्षा कर्मियों के सामने से निकल गए। युवती ने बताया कि सुरक्षा कर्मियों ने दोनों युवकों को फटकार लगाई और जाने दिया, लेकिन जैसे ही इस बात की जानकारी पुलिस अधीक्षक को हुई, मौके पर ही आजाद थाना प्रभारी सहित अमहिया पुलिस पहुंच गई, जहां आरोपियों की पहचान होने के बाद उनकी तलाश की जा रही है। बताया जा रहा है कि आरोपी गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र के बांसा के निवासी हैं। वहीं युवती के साथ अस्पताल के अंदर हुई छेड़खानी के बाद अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। हम आपको बता दें कि अस्पताल में लगातार लापरवाही के मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन प्रबंधन व्यवस्थाओं को सुधारने की जगह कमियों को उजागर करने वालों को ही दबाने का प्रयास कर रहा है, जिससे व्यवस्थाएं बद से बदतर होती जा रही हैं। घटना ये हुआ है कि कल भाई को और साली रही है, यहाँ एडमिट है बच्ची और घर वाली रही है, तो साली को छेड़ रहे थे दो लड़के। तो भाई हमारा समझाया, फिर सुबह समझाने के बाद फिर वो गई आधा एक घंटा बाद बाथरूम करने गई साली, तो फिर वो दो के उसको बोले कि केस वोस नहीं करना, हम नहीं करेंगे। अब फिर सुबह वो भाई बोला कि काहे बार बार रोक रहा है भाई, तो फिर लड़ाई झगड़ा करने लगा, धमकी उमकी दे रहा था भाई को। फिर पहचानते हम नहीं पहचानते, हमारा भाई पहचानता है। हमें सुबह अभी 7 बजे फोन लगाया तो फिर हम आए हैं, जब वो लड़ाई झगड़ा कर रहा था। हाँ वो शाम लगभग रात में करता रहा है, लेकिन सुबह हम लोग को बताया, छोटा वाला भाई बताया, बोला कि लड़ाई झगड़ा कर रहे, धमकी दे रहे हैं मारने के लिए, अभी गए हैं उधर साइड, तो फिर हम लोग आए। हमारी बच्ची भर्ती अभी जन्म लिए 2 तारीख को, तो उसको लेके बैठे नर्सरी में एडमिट है मैदानी से। ये लड़की हमारी साली है, नक्तरा की है, मैहर की बहन। हाँ हाँ।